अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 44 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज दिल्ली प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आप सरकार पर हमला बोला। रामवीर बिधूड़ी ने केजरीवाल सरकार पर बिजली की चोरी की अनदेखी का इल्जाम लगाया और कहा कि दिल्ली के जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है और जब तक ये खत्म नहीं होगा दिल्ली भाजपा विरोध करती रहेगी। रामवीर बिधूड़ी से खास बात की हमारे संवाददाता जिब्रान जरार खान ने, तो आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा में LOP रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए। आरोप बड़ा ये है कि बिजली की चोरी। विधानसभा में LOP रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल सरकार पर कई आरोप लगाए। आरोप बड़ा ये है कि बिजली की चोरी। रामवीर जी, बिजली चोरी जो हो रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार तो और खुद केजरीवाल कहते हैं कि 75% तक बिजली का 0% बिजली चोरी हो रही है। देखिए, मैंने जो कुछ कहा है उसमें 100% सच्चाई है। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने कहा है कि दिल्ली के जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको 8 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 14 रुपये पर यूनिट से लेकर 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि उनकी सरकार 24 घंटे दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली देती है। वो झूठ बोलते हैं। दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा फिक्स चार्ज दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं से वसूला जाता है। जिनके पास घरेलू मीटर है उनसे 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लिया जाता है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनसे 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लिया जाता है। दिल्ली में जो बिजली के कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से वो पैसा निकाला जाता है। इन बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको 400 यूनिट से लेकर 700 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है। वह पैसा भी दिल्ली के जो बिजली के उपभोक्ता उनकी जेब से निकाला जाता है। अरविंद केजरीवाल से आप पूछ लीजिए। अब 6% उन्होंने बिजली की दरों में और बढ़ोतरी कर दी जी। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 10-11 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां 75% से लेकर 80% तक बिजली चोरी हो रही है। और जब बिजली कंपनियों के और सरकार के बीच में समझौता हुआ था, MOU साइन हुआ था, तो ये समझौता था कि दिल्ली में बिजली चोरी को समाप्त करके हम दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, बिजली की दरों में कटौती करेंगे जी। अब दिल्ली के अंदर पूछो अरविंद केजरीवाल से, मैं आपको क्षेत्रों के नाम बता रहा हूँ, उनसे पूछो कि ओखला, सीलमपुर, मुस्तबाद, जाफराबाद, मटिया महल, बल्ली मारान में, ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मैं किस नहीं नहीं वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ पे सभी जाति धर्मों के लोग रह रहे हैं। आप ये मत उसको रंग दीजिए, लेकिन इन क्षेत्रों में क्योंकि उनकी पार्टी मजबूत स्थिति में है, उनके समर्थक ज़्यादा हैं, अगर वो बिजली चोरी करेंगे तो आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और दूसरे क्षेत्रों में आप रेड भी करते हैं, मुकदमा भी दर्ज करते हैं और लोगों के ऊपर पेनल्टी भी लगाते हैं, लेकिन ये बताइए कि इन क्षेत्रों में 75% से लेकर 80% बिजली क्यों चोरी हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल से आप जवाब मांगिए। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि ये मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। ये बात मैंने हाउस के अंदर भी कही थी। आप उनसे पूछिए, अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता की लीडरशिप में मुख्यमंत्री के घर के बाहर, उनके ऑफिस के बाहर हम लोग प्रदर्शन करेंगे और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिजली की दरों में अरविंद केजरीवाल की सरकार कटौती नहीं कर देती है और दिल्ली के लोगों को, चाहे वो किसान हैं चाहे वो बिजली के दूसरे उपभोक्ता हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा उनको लूटा जा रहा है, जब तक ये लूट बंद नहीं हो जाएगी हमारा संघर्ष, हमारा आंदोलन अरविंद केजरीवाल की सरकार के विरोध में जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे LOP रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो रही है वो जब तक नहीं घटेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।
दिल्ली से जिब्रान जरार खान की रिपोर्ट, न्यूज 44। और अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए news44.in पर। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज 44।